ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। ओके मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स है, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड। ओके तो इस रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आज समझने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द रियल नंबर, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा जाएंगे। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज नंबर सिस्टम के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जैसे इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं एक्चुअली। तो ये बेसिक थिंग जो कि 9th में ऑलरेडी पढ़ के भी है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन। जो नंबर वन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। आई बातें समझने के लिए क्लियर है? चलिए अब इसके बाद से आता है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स के बारे में आएंगे। होल नंबर्स क्या होता है? तो होल नंबर्स इज अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो जीरो से स्टार्ट हो जाए उसे होल नंबर्स बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके? होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट हो गया होल नंबर, जो वन से स्टार्ट हो गया नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इतना ही है। लेकिन एक चीज इसके अंदर आता है कि भाई क्या ये 1.5 डेसिमल के नंबर हैं, 2.8 है, 1.6 है, क्या ये नंबर्स आपके होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, डेसिमल में कभी भी नहीं होता, याद रख लो। होल नंबर्स या नेचुरल नंबर जब भी बात की जाएगी डेसिमल की बात नहीं होती है, ठीक है ना। यानी डेसिमल में आपके ये होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स नहीं आते। चलिए अब इंटीजर्स की बात कर लें। बेसिक थिंग है लेकिन फिर भी समझो। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी क्या बोला? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स हैं जीरो को इंक्लूड करके उसको बोला जाएगा क्या? इंटीजर्स बोला जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। तो आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लेना चाहूँ, जैसे मान लो जीरो हमने इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे लिया प्लस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट में आ जाओ -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो इन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके? इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको याद रखो। वन सेकेंड द सेम थिंग, इंटीजर्स भी कभी लाइक डेसिमल में नहीं आता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि यहाँ पे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये कभी डेसिमल में नहीं आते। लाइक दैट इंटीजर्स भी कभी डेसिमल में नहीं आएगा। आप अगर मैंने लिख दिया 2.8 है, पूछा कि भाई बताओ ये आपका इंटीजर्स है? नहीं, इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स कभी डेसिमल में नहीं आता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दैट इज व्हाट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू। जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए, जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलेंगे इवन नंबर्स। अब जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं आपके? इवन नंबर्स हैं। अब ये तो बात छोटी सी बात होगी, मान लो छोटे नंबर्स ले लिया 2, 0, 8, 4 ले लिया, बताओ सर ये इवन है कि ऑड है? ये भी इवन है। लास्ट में अगर आपके 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8, 6, 8 आ गए लास्ट में, अगर लास्ट में ये नंबर लगा हुआ है तो समझ लो क्या है? इवन नंबर्स हैं। अगर लास्ट में ये नंबर्स नहीं लगे हैं तो समझ लो क्या है? वो ऑड नंबर हो जाएगा। अगर लास्ट में ये लगा हुआ है तो इवन, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 लास्ट में, यहाँ पे देखो तो ये इवन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताओ इवन की ऑड? ये इवन है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 6 आ गया तो इवन हो जाता है। अच्छा अब ऑड की अगर हम बात कर लें, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की बात कर लें, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर किसको बोलते हैं?
द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, जैसे जो नंबर टू से डिवाइड होते हैं उसे इवन बोलेंगे, जो टू से डिवाइड नहीं होगा उसे ऑड बोलेंगे। ये तो नई सिंपल सी बात है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लोगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मतलब अब यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि कभी जिंदगी में टू से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कुछ बड़े नंबर का, 5, 6, 7, 8, 9, बताइए ये आपका इवन है या ऑड है। तो आप जस्ट लास्ट वाले डिजिट को चेक कर लो बेटा, लास्ट वाला अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसको बोलेंगे इवन नंबर, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है उसे बोलेंगे ऑड नंबर। इतनी सी बात है बस, ठीक है ना। तो इवन ये ऑड दोनों में डिफरेंस बता दिया, तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअली ऑड नंबर्स हो जाएंगे जो कि टू से डिवाइड नहीं होने वाला, क्यों, लास्ट में 9 है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर के बाद से कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लो, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर ओके। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात कर ले, प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, या आप अगर दूसरे वे में इसको डेफिनेशन बोलोगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, जो नंबर वन से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, जो नंबर वन से और खुद से डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अब सर डेफिनेशन तो बता दी, जरा एग्जाम्पल लेके समझाओ। देख लो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 हमारा है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, ये आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, क्यों, जरा देख लो। अगर मैं प्राइम नंबर की बात किया तो किसी भी नंबर को अगर चेक करना है, याद रखो किसी भी नंबर को चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट, आप उसका फैक्टर निकालो, यानी आप उसका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम तो आता रहेगा, चलो नहीं आता तो सीख लो, 2 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, 2 1 2, यस सर नो। अब बस हो गया, 1 आ गया तो स्टॉप कर देते हैं। अब जरा नीचे से ऊपर जाओ, बस एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूं बेटा, नीचे से ऊपर जाओ, कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 2 नंबर दिखेंगे, 1 एंड 2 इटसेल्फ, क्योंकि मैंने 2 का एलसीएम निकाला है तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 और एक है 2, यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और 2 जो है 2 से भी डिवाइड होगा। नहीं समझे, सिंपल से याद रखो, नीचे से ऊपर जाओ, 1 2 नंबर है बस प्राइम नंबर कहलाएगा। 3 ले लो, एलसीएम निकालो, 3 1 3, क्यों, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा इसलिए आप डायरेक्ट 3 पे चले जाओगे, ठीक है, 3 1 3। अब नीचे से ऊपर जाओ, कितने नंबर से देख लो, 1 2 नंबर से प्राइम नंबर कहलाएगा, 2 नंबर आ गए प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, सिंपल सी बात है। अब जैसे 5 है, मैंने डायरेक्ट 5 पे जंप कर गया, 4 पे जंप नहीं किया, मैं बताऊंगा क्यों, 5 पे पहले एलसीएम निकालो, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 3 से होगा, नहीं, 4 से तो लेता ही नहीं है, कंपोजिट है ये 5 5 1 5। नीचे से ऊपर जाओ, कितने है? 1 2, सिर्फ 2 नंबर है यहाँ पे इसलिए ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 आ जाओ, 7 1 7, तो 7 7 से डिवाइड होता है। फिर से नीचे से ऊपर जाओ, कितने नंबर है, 1 2 नंबर से, ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। अच्छा सर आपने 4 क्यों नहीं लिया, देखो 4 अगर हम लेते हैं तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से आराम से हो जाएगा डिवाइड, देखो 2 2 4, 2 1 2, है ना। अब जरा नीचे से ऊपर जाओ, कितने नंबर से देख लो, जरा देख लो, 1 2 3, देर आर 3 नंबर्स, यानी कहने का मतलब क्या है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 4 से भी डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब 4 के 3 फैक्टर्स हो गए हैं, दैट इज 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर
जिसके तीन फैक्टर्स हो गए, यानी दो से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं, तीन चार पांच छह सात इनफाइनाइट, तो जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है ना, एकदम क्लियर है। चलो तो कंपोजिट की भी मैंने बात कर लिया, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। सिंपल सी बात याद रख लो, मोर देन टू फैक्टर्स, टू से जिसके ज्यादा फैक्टर्स हैं उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो, मैं अगर कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेना चाहूं, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेना चाहूं, ठीक है ना, जरा देख लीजिए यहाँ पे, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेना चाहूं, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो होता है वो फोर होता है, याद रख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एमसीक्यू में, द वेरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज फोर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है बता दीजिए, तो प्यार से बोलेंगे आप फोर। क्या है? फोर, कंपोजिट नंबर फोर। अब क्यों है? क्योंकि वन तो होता नहीं है, वन तो प्राइम नंबर भी नहीं है और आपका कंपोजिट भी नहीं है, तो वन नेचुरल नंबर माना जाता है, नेचुरल नंबर है भी, तो वन भी नहीं, टू भी नहीं, टू भी कंपोजिट नहीं है, थ्री भी कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, टू के भी और थ्री के भी। तो स्टार्ट कहां से होता है? फोर से, तो फोर इज द फर्स्ट कंपोजिट, फर्स्ट कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका जो फोर है फर्स्ट कंपोजिट नंबर कहलाता है। चलिए, और अगर हम बात कर ले फोर के बाद क्या आएंगे, फोर के बाद से डायरेक्ट सिक्स आता है, क्योंकि फाइव आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, क्योंकि फाइव का सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होता है, देख सकते हो यहाँ पे, सिक्स इसके बाद आता है, सिक्स के आपके मोर देन टू फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सिक्स का मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो टू थ्री द सिक्स, थ्री वन द थ्री, क्लियर है ना, यस सर नो। अब देख लो थ्री सिक्स जो है बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, वैसे नीचे से ऊपर जाओ तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, ऐसे ही आपको दिख जा रहा है, कितने नंबर्स, वन थ्री सिक्स, यानी सिक्स जो है वो वन से भी डिवाइड होगा, सिक्स जो है वन से भी डिवाइड होगा, सिक्स जो है थ्री से भी डिवाइड होगा, सिक्स जो है सिक्स से भी डिवाइड होगा, और सिक्स जो है टू से भी डिवाइड होगा, टू थ्री द सिक्स। तो खैर ये इधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर चेक कर लो, काम खत्म, आपको बस काम बन जाएगा, ठीक है ना, एक दो तीन, मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट, खत्म। ठीक है, नहीं आसन में अगर दो फैक्टर, एग्जैक्ट दो फैक्टर्स हैं प्राइम, दो से ज्यादा है कंपोजिट, इतना ही है बेटा, और कुछ कहानी इसके अंदर नहीं है समझने की। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें, सेवन तो नहीं है, एट आ जाएगा, नाइन भी आ जाएगा, देख लो बेटा एट को भी अगर निकालोगे तो एट का टू फोर द एट, टू टू द फोर, टू वन द टू, देख लो एक दो तीन चार ऐसे ही मिल गया आपको, मोर देन टू फैक्टर कंपोजिट, मार दिए एकदम खटाक से आंसर। ओके चलो नाइन आ जाओ, थ्री थ्री जा थ्री वन जा, दैट्स इट, एक दो तीन कंपोजिट, खत्म खत्म भाई, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है जरा मैं आपको बता देता हूँ, देखो डिफरेंस नहीं पूछेगा कि कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर में डिफरेंसेस क्या है, बताइए थ्योरी पार्ट ने भी यहाँ से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, तो देखिए द वेरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर वो पूछेगा, फोर हो गया द वेरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, बेटा ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर फोर है, तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो इवन भी हो, इवन भी हो और प्राइम भी हो, इवन भी हो प्राइम भी हो। तो जरा देखो क्या ये प्राइम नंबर है, वन नहीं, टू प्राइम नंबर है, यस ये नहीं है, टू प्राइम नंबर है, तो टू से स्टार्ट होता है प्राइम, और आप चेक कर लो टू इवन भी है, टू इज अ इवन नंबर, राइट, टू इज अ इवन नंबर, और ये प्राइम नंबर भी है क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं सर, तो आंसर आप क्या लिखोगे, टू। ठीक है ना, बात समझ में आएगी कि नहीं आगे, क्लियर है ना, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज आपके आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, अभी आपको मैंने ये सब डिस्कस कर लिया, राइट। ठीक है, बोला सर क्या ये बेसिक चीज बता रहे हो, बेटा बेसिक चीज ही बताना पड़ेगा ना, जो आपके सिलेबस में तो कराना पड़ेगा ना, हर चीज कराने के बाद से बेसिक से फिर आप स्टैंडर्ड पे जाओगे, फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद से फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकता है तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए देख लिए पहले,
अब नेक्स्ट है दैट इज रियल, दैट इज रैशनल नंबर. क्या है आपका रैशनल नंबर, जरा समझेंगे यहाँ पे. रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है? तो बेटा देखो, रैशनल नंबर वेरी सिंपल थिंग. रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड, यानी विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके. अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने नंबर्स को लिख दिया 1/2, 5/6, 3/8, 5/11. ये आपके सब के सब रैशनल नंबर है. कैसे, जरा समझो. ये आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है. देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके. एंड यहां पे कहानी खत्म नहीं हो जाती है. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और उसमें पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. यहां भी खत्म नहीं हुई. एंड वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए. देखो तीन कंडीशन है यहां पे. पहली बात, ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. चलो हमने लिख दिया, मान लिया ठीक है, तो p by q के फॉर्म में लिख दिया. लेकिन लिखने के बाद p और q को चेक कर लेना कि भैया वो जो p और q है आपका इंटीजर्स है कि नहीं है. वो इंटीजर्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए. ये नहीं कि सर हाँ p by q के फॉर्म में लिख दिया तो हमारा रैशनल नंबर हो गया. नहीं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद फिर दूसरा केस क्या है कि भैया वो क्या होना, P और Q इंटीजर्स होना है. और तीसरा केस क्या है, इंटीजर्स होने के बावजूद भी Q वाला टर्म यानी डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए. फिर आप फाइनली बोलोगे यस नाउ आई एम सेटिस्फाई विद दिस एंड फाइनली इट इज रैशनल नंबर. ओके, फिर हम बोलेंगे यस इट इज रैशनल. अगर तीन भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर आप बोलोगे इसको रैशनल. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए. अब देखिए हम इसको बता सकते हैं आराम से. देखो मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, सबको पी बाई क्यू के फॉर्म लिख दिया. पी बाई क्यू मतलब दिस बाई दिस, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, लिख दिया. क्लियर है? अब सेकेंड कंडीशन जरा सेटिस्फाई करो, चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए. जरा चेक कर लो यहाँ पे, वन एंड टू क्या आपका इंटीजर्स है कि नहीं है. वन एंड टू क्या आपका इंटीजर्स है, वन भी इंटीजर्स है, टू भी इंटीजर्स है. यस सही है. तीसरा केस, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्यू वाला टर्म जीरो नहीं आना चाहिए. नहीं है जीरो, यस इट इज, यस इट इज रैशनल नंबर. चलो यहाँ पे आ जाओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में है. पी एंड क्यू दोनों भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए. पी भी इंटीजर्स, क्यू भी इंटीजर्स, सही है. तीसरा कंडीशन, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर है भी नहीं. यस इट इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर. चलो यहाँ पी बाई क्यू यस है, दो भी इंटीजर्स है, यानी थ्री भी इंटीजर्स, एट भी इंटीजर्स, सही है. क्या ये जीरो है, नहीं जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए. यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ये इंटीजर्स है, यस दो भी इंटीजर्स है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है. क्या ये जीरो है, नहीं है. क्या ये इंटीजर्स हो, ये रैशनल नंबर्स होंगे, यस इट इज अ रैशनल नंबर. क्लियर है ना सबको. अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, मान लो 11/0 ले लिया. अब बताओ 11/0 ले लिया, देखो p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया मैंने, ठीक है ये चलता है. ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. देख लो यहाँ पे इंटीजर्स है, 11 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है. मैंने बोला इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 को हम बोलते हैं इंटीजर. तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, ये इंटीजर्स, ये भी इंटीजर, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई. लेकिन भैया थर्ड वाला कंडीशन वहां देख लो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे क्यू जीरो है, ये हमारा फिर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है. ये झूठी बात है, नहीं आया समझ में, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है.
अब सबको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, यानी 5/0 क्या रैशनल है नहीं बोलोगे, 6/0 क्या रैशनल है नहीं बोलोगे, 7/0 क्या रैशनल नंबर है नहीं बोलोगे, लेकिन 0/5 रैशनल है यस है। ये आपका 0/5 मतलब क्या है बेटा, 0/5 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर सही है, क्यू दैट नॉट इक्वल टू 0 नहीं है 0 के बराबर, यस इट इज रैशनल। बेटा 0 सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, बाकी न्यूमिनेटर चल सकता है। आई बात है समझ में? चलिए अब हम बात कर लें, रैशनल की बात होगी, इरैशनल की बात कर लें कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, द नंबर विच इज नॉट रैशनल, सिंपल सी बात है यार, ज्यादा डेफिनेशन पीछे मत भागना, डेफिनेशन नहीं पूछता आपसे। इरैशनल की मतलब क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं हो उसको इरैशनल बोल दोगे, जो नंबर रैशनल नहीं है इरैशनल बोल दोगे। अरे भैया सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना, है ना कि भाई रैशनल का मतलब मैंने समझा दिया, अब इरैशनल का मतलब क्या, जो रैशनल ना हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ले ले, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये आपके सब एग्जांपल हैं इरैशनल नंबर के, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है एग्जांपल, इरैशनल के एग्जांपल है, क्योंकि ये आपके रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये डेसिमल में सब आएंगे आपके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रूट फोर लिख दिया, क्या रैशनल की इरैशनल, ये बेटा इरैशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा, क्योंकि रूट फोर की वैल्यू टू होती है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 के फॉर्म में, 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देख लो यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, ये भी इंटीजर्स है, सेकेंड भी कंडीशन सेटिस्फाई, थर्ड वन क्या है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं भी है, यानी ये आपका रैशनल हो जाएगा। तो ये मत बोला कि सर रूट 4 इज इरैशनल, रूट में सारे के सारे नंबर इरैशनल होते हैं, नहीं, रूट डाल दिए तो भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ यार, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, उसके बाद से अगर आपको लाइक नहीं मिल रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि रैशनल है, डेसिमल में नहीं है, ऐसे नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ गया तो बोलोगे आप रैशनल नंबर। अगर किसी ने बात कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं रैशनल की बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 क्या रैशनल की इरैशनल, ये रैशनल है, अब मत बोला कि सर नीचे तो कुछ है ही नहीं है, नथिंग में तो 1 डाल दो काम खत्म, 3/1 यानी आप फिर से लिख सकते हो इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, ये भी आपका इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और ये 0 के बराबर नहीं है, यानी आपको ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। फाइव क्या है रैशनल की इरैशनल, रैशनल है, नथिंग मीन्स 1 डाल दो, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, ये 0 भी नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई है, रैशनल नंबर है। तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया रूट 71, ये इरैशनल है, इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, मतलब डेसिमल में आएगा, पर्टिकुलर वैल्यू मतलब डेसिमल में आएगा, हाँ। रूट 89 अगर बोल दिया, ये भी इरैशनल है, रूट 81 बोल दिया 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब 9/1, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आई थिंक ये सबको बात समझ में आ गई होगी कि भाई रैशनल नंबर्स क्या है, तो रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। अब चलो लास्ट में इसका एक टॉपिक आता है, दैट इज रियल नंबर, जो कि चैप्टर का नाम इटसेल्फ है, द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज रियल नंबर। तो अब रियल नंबर की हम बात करेंगे कि रियल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर। कुछ बच्चे बोलते रियल नंबर मतलब सर ओरिजिनल, ठीक है ना, वैसे ही पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेस, तो एक बच्चे बोल पूछा कि भाई रियल नंबर का मतलब बताइए, तो रियल नंबर का मतलब उसने बोला कि सर ओरिजिनल नंबर, विच इज नॉट डुप्लीकेट इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है बेटा डेफिनेशन। देखो तो यहाँ पे रियल नंबर्स की बात अगर हम करें, तो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, देखो जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हैं, इन सब को हम लोग ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी रैशनल एंड इरैशनल नंबर हैं, आप जितने भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो यार, 1/2, 3/5, 1/5, 2/6, 9/11, रूट ये इरैशनल, रूट 11, रूट 13, रूट 5, ऑल इरैशनल रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर। जो भी नंबर डाल दो यार, 1.2, 2.3, 7.8, 1.9, 2.5, एनीथिंग, दुनिया का कोई भी नंबर डाके डाल दो, सब के सब रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर समझ लिए बेसिक चीज, कि रियल नंबर मतलब एनी नंबर्स, एनी रैशनल इरैशनल नंबर्स, कोई भी रैशनल और देखो भाई जो भी नंबर लेते हो, या तो वो रैशनल होता है या तो वो इरैशनल होता है, दो ही कैटेगरी होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों कैटेगरी वाले को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, आई बात है समझने के लिए। वैसे ऑल
रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अब इससे सिंपल वे में कोई बता क्या समझाना पड़ेगा इससे सिंपल वे में, तो मैंने समझा दिया जितने भी रियल मतलब जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर है सबको सबको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लो इस चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है जरा समझ लो इसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो अब ये क्या है जरा समझ, जितने मतलब कोई नंबर्स ले लिया, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर ले लिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लिया 20 ले लिया, ठीक है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो कंपोजिट नंबर है, 2 1 2 0 लिख दिया, 2 5 10 5 1 5 हो गया ना। तो अब ये मैं 20 को लिख सकता हूँ ना, 20 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 एंड 5। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमने ले लिया आपकी एग्जांपल्स के तौर पे लाइक 18 एग्जांपल ले लिया, 2 9 3 3 3 1, ठीक है ना, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3 है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, तो ये आपके कहलाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास से मैं डिस्कस करूँगा इसके एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है ना। जब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज में आपके एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, वो भी बहुत आसान सा है, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ना है, एकदम उसको फोकस करना है, एकदम माइंड में बिठा लेना है, ठीक है ना, थ्रो हो जाना उसके ऊपर, वो मैं एक्सरसाइज कराते वक्त, चैप्टर कराते वक्त मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। जब तक के लिए वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, बाय।